हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे चट्टान के टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों लाइक और कमेंट करना न भूले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मोह स्केल में चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन चट्टान अगन्य चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगन्य शैल कहलाती है? अगन्य शैल मौलिक शैल कहलाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगन्य चट्टान का निर्माण ऊष्मा और अधिक दबाव के कारण हुआ है। अगन्य चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यह कथन बिल्कुल असत्य है, बल्कि अगन्य चट्टानों में परतों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। अगन्य चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है। इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो स्फटिक रूपांतरित चट्टान नहीं है, सलेट, संगमरमर और ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल के निकट सर्वाधिक अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? अवसादी शैलों का दूसरा नाम सतृत शैल है। क्या नाम है? सतृत शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते है, किंतु इनमें से कुल खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है, इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो इन खनिजों की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर है, स्लेट और संगमरमर कैंद्रित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेफाइट रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो अगण्य चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कायंत्रित शैल है? तो संगमरमर कायंत्रित शैल है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो ऐसी चट्टान को अगण्य चट्टान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार चट्टान नहीं है?
तो क्वार्ट्जाइट पत्थर चट्टान नहीं है बल्कि बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल पत्थर चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुमंदाकार अग्नय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गुमंदाकार अग्नय चट्टानों को बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बालू का पत्थर कांग्लोमेरेट यह सुमेलित नहीं है बल्कि चूना पत्थर संगमरमर यह बिल्कुल सही है। गेनाइट नीस यह भी बिल्कुल सही है। गेरबो सर्पेटाइन यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्लेट, स्लेट कायंत्रित सेल है। लिग्नाइट, लिग्नाइट अवसादी सेल है। बॉक्साइड अहलो खनिज है और गेनाइट अग्नेय सेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालू का पत्थर परवरित होता है, तो बालिका पत्थर क्वार्टजाइट में परवरित होता है। निश चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? निश्चट्टान परिवर्तित कोटि की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? संगमरमर विलग प्रकार की चट्टान है। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम खनिज तेल प्राचीन संरेत चट्टानों में पाया जाता है। गेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? गेनाइट की गणना अतिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों से की जाती है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला पत्थरदार चट्टान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो निम्नलिखित में से निस एक रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित चट्टान है? तो संगमरमर एक कायंत्रित चट्टान है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।